फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं चांदा दाई। और सच्ची बताऊँ तो एक तो आपके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसे गया हूँ कि नहीं गया पता नहीं यार मुझे, बहुत भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है वहाँ पे। तो क्या आप चीज़ के लिए तैयार हो? इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, मज़े आ जाएंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी भाई मेरे को लाइक कर, और कम से कम भाई लाइक तो कर दिया करो वीडियो को, लाइक नहीं तो सब्सक्राइब कर दिया करो। पर वो बात तो होती रहती है, चलेंगे हम सीधा बार ना पारा में भाई, बहुत ही बेहतरीन लगेगा वो हमें। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एक बार आया था, सामने का रास्ता गया बस था, यहाँ पता चला है कैमरा उड़ के उधर चला गया, अपन वीडियो ही बना पा रहे, ऐसे ही होगा। कैमरा बोल रहा हूँ, सॉरी मतलब फोन। और भाई बाकी अब वो माइक में वो वाली प्रॉब्लम नहीं रही, वो बारिश के समय ना प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए भाई मैं ऐसे बना नहीं पाता था। पर आज हम लोग वही बनाने वाले हैं। बाकी मेरे पीछे पापा लोग भी आ रहे हैं, वो देखो आ रहे हैं, वो लोग हमसे पीछे है नाला ऐसे देखा। और भाई एकदम ऐसा प्रो आदमी भाई, पहुँचा देता हूँ किसी को भी कहीं भी, बहुत अच्छा लग रहा है यार मेरे को आज जाने में। बाकी और कुछ तो बातें करने के लिए, लेकिन भाई जगह भी ना, एक बार मैं ट्रैक्टर में आया था, एकदम हाथी बहुत निकल रहे थे, तो मेरे वाला जो खेत है वहाँ पे ना हाथी आया था। तो ना यहाँ पे जब मैं जा ही रहा था तो भाई मेरे को बहुत डर लगा था भाई, हाथी जा रहे थे, हाथी जैसे जा रहा था तो मेरे को बहुत ही डर लगा था भाई। फिर क्या हुआ भाई, थोड़ा कम कर लेता भाई मैं ये, ऐसा ठीक है भाई, ऐसे ही बात करेंगे अब तो। बहुत ही ना मेरे को ना डर लगा था उस टाइम पे, यहाँ भी आ जाएगा करके। और फिर हम लोग लकड़ी ले गए और उसके बाद फिर घर चले गए। फिर घर में जाके क्या कर रहा है, वही चल रहा बंदा है। और ख़ास बात है कि इस जगह पे ना मैं सांस आया होगा कि नहीं आऊँगा पता नहीं यार, इसलिए आप तो एक्साइटेड ही होंगे भाई चांदा दाई के लिए। एक्साइटेड नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एक्साइटेड हो तो केवल सब्सक्राइब कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर मत करना अगर एक्साइटेड हो तो। मैं बहुत ही मज़ा आने वाला है यार इसमें, आपको मैं क्या बताऊँ। और बाकी तो अभी हम लोग भी जाने वाले हैं, पापा भी हमारे पीछे आ चुके हैं, मैं भी वहाँ पे भी, तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो अब मैं चलता हूँ सीधा, पत्थर आ गया भाई, तो मैं मिलता हूँ किसी तो जंगल में। तो फ्रेंड अभी मैं भाई 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 बहुत फट रही है यार पानी में, ऐसा बस पैंट है गीला ना हो जाए उसके लिए फट रही है मेरी। हाँ चलो, वो क्या क्या आवाज़ें निकाल रहा था वो मैं समझ ना, वो पैंट ऊपर कर रहा था। बाकी देखो भाई ये यहाँ पे डूब जाऊँगा। और भाई अभी अपन चलेंगे सीधा वही साइड, ये देखो। सो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ भाई, भाई डूब रहा हूँ मैं तो, फिर पैर देखो भाई धस रहे अंदर ही अंदर, नहीं दिखा सकता रुको, यहीं से पत्थर ही पत्थर है मस्त है, ये देखो पत्थर, ये देखो पत्थर नहीं लकड़ी है यार। चलो अब चलो। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा नाला है ये, सो फ्रेंड अभी यहाँ पे आ चुका हूँ भाई, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यार मुझे यहाँ पे आके। और ये है मुख्य दर्शन, यही है तो मुख्य दर्शन चांदा दाई भाई, यहीं पे भाई है वो। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे तो भाई बहुत एक्साइटमेंट है, आप लोग एक्साइटेड है तो
लाइक कर देना भाई, बहुत मजा आने वाला है। यही है मुख्य दर्शन इस घने जंगल में ब्रो, बहुत घना है ये, ऐसे भाई मजे आ जाते हैं। और बाकी तो अब मैं चलूँगा सीधा। हाँ तो फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पे हमारे मुख्य स्थल पर आ चुका हूँ चांदादाई के। तो अभी यहाँ पे मैं बोला था कि आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो भाई आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि वैसे भी हम आने ही वाले थे फ्रेंड। तो देखिए तो फ्रेंड, आप भी कीजिए चांदादाई के दर्शन। हाँ तो फ्रेंड, और चांदादाई की कहानी है कि वो सुख दुख सब में हमारा साथ देती है, और ये सतयुग काल से स्थापित है यहीं पे, तब से सभी लोग इनकी पूजा करते आ रहे हैं, और आज हम भी इनकी पूजा करने यहाँ पे आए हैं। और फ्रेंड, मेरे पापा बताते हैं कि ये मेरे जैसे मेरा जितने कमर जितना तक था ये मूर्ति, और आज जब 17 साल बाद पापा यहाँ पे आए तो ये बहुत बड़े हो चुके हैं। आप तो यहाँ पे देख ही सकते हो, पापा जब छोटे छोटे थे ना तभी यहाँ पे आए थे, फिर उसके बाद हम रायपुर चले गए तो फिर हम लोग यहाँ पे आए ही नहीं हैं। मेरा तो पहली बार लग रहा है मुझे, नहीं एक बार और आया था मैं, तो जब छोटा था तभी मैं आया था, और आज ये देखो ये बहुत बड़े हो चुके हैं ये चांदादाई की मूर्तियाँ। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एक और जगह, वो है केव, मस्त भाई वहाँ पे गुफा है मतलब। अरे सो फ्रेंड, आज वो काम नहीं होने वाला है, हम उस गुफा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो ना बहुत ही दूर पड़ता है, और ना जंगल में नाले वाले बहुत बड़े हैं, और वो इसीलिए नहीं जा पाएंगे हम लोग, बहुत परेशानी होगी हमें वहाँ पे जाने के लिए। बरसात का सीज़न है, अभी बरसात का सीज़न है इसीलिए हम लोग नहीं जा पाएंगे। गर्मी के टाइम में ना आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो फ्रेंड, अभी हम लोग वापस घर जाएंगे, पापा का कल से ड्यूटी है, बस 2 दिन की छुट्टी ली थी मैंने भी और पापा ने भी ली थी, और अब हमको भी जाना पड़ेगा। बाकी वो सब छोड़ो, पीछे आप रुको दिखाता हूँ, पीछे देखो धूप के कारण नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे एक नाला दिख रहा है वहाँ पे एक नाला है मस्त वाला, जो उधर चलते चलते आए थे तो दिखाए थे। और कैसे लगे हमारे चांदादाई और उनका दर्शन, कमेंट में बता देना। ओके, और आपको तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।